Lucy. हाय दोस्तों, मैं हूं सेफी और वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड ऑफ गेम पे। एंड पर उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम आए हैं बोनसाई शो पर। ये दिल्ली में बोनसाई गार्डन है जो साल में सिर्फ एक बार खुलता है और सिर्फ एक महीने के लिए खुलता है। दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी अच्छी अच्छी स्पेचिस बोनसाई हैं जो काफ़ी अच्छी अच्छी और काफ़ी एजेड बोनसाई हैं। बेहतर यहाँ पे आपको साइकस की बोनसाई देखने के लिए मिलेंगी, एक से एक लुक में, एक से एक अच्छी और बहुत पुरानी आपको बोनसाई मिलेंगी देखने के लिए। मैंने ऐसी बोनसाई लगभग 3-4 जगह ही देखी हैं अब तक। मुझे यहाँ की बोनसाई सबसे ज़्यादा अच्छी लगती हैं। यहाँ तक एक स्पेचिस की बोनसाई नहीं है, यहाँ पे आप लोग को आकर के देखने मिलेंगे कि हाँ फाइकस की कितनी प्रजातियाँ हैं, फाइकस की कितनी ज़्यादा प्रजातियाँ हैं यहाँ पे, वो भी आपको देखने के लिए मिलेंगी। आप अगर दिल्ली के आसपास रहते हैं या दिल्ली में रहते हैं तो यहाँ पे ज़रूर आएँ। ये केंद्रीय सचिवालय के पीछे है, मुगल गार्डन भी बोला जाता है इसे। यहाँ पे ये फ्लावर शो के लिए देखने के लिए है और बोनसाई देखने के लिए है। इस नर्सरी में, शो में, इस गार्डन में जो है पर डे के मिनिमम 2-3 लाख लोग यहाँ पे रोज के आते हैं और ये लगभग एक महीने तक के लिए ये शो चलता है। दोस्तों, अगर आप दिल्ली के आसपास या दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो यहाँ पे एक बार ज़रूर आएँ, विज़िट करें और यहाँ पे बोनसाई देखें। फ्लावर तो दोस्तों यहाँ पे जो फ्लावरिंग शो है, तो दोस्तों फ्लावर शो तो हमने लगभग सभी फ्लावर अपने गार्डन में हम देखते भी हैं, गुलाब वगैरह के। लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पे अच्छी बात ये होती है कि यहाँ पे जो फ्लावर देखने के लिए मिलते हैं हमें, तो वो जो है कुछ अच्छी वैरायटी होती है उनमें, कुछ अलग ही लुक होता है फ्लावर का। और दोस्तों, यहाँ की बोनसाई भी उन फ्लावरों से कम नहीं है, फ्लावर का साइज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो है ये अपने बोनसाई प्लांट्स की वजह से ज़्यादा मशहूर है। यहाँ पे एक से एक आपको जो है बोनसाई देखने के लिए मिलेंगी। ये एरोकेरिया की बोनसाई इन्होंने बना रखी है। ये ऐसा लुक लगता है इसका देखने में जैसे कि कोई जंगल में आप हो और वो लुक आपके सामने है। तो देख रहे हैं आप दोस्तों, यहाँ पे मैं भी आया हुआ हूँ और यहाँ पे काफ़ी लोग भी आपको वीडियो में देखने के लिए मिल रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे अच्छी बात मुझे यही लगती है, ये पहला तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई कॉस्ट नहीं है। पर डे के यहाँ पे सैलानी बहुत आते हैं, मैंने आपको बताया लगभग 2-3 लाख पर डे के इसमें सैलानी आते हैं देखने। बाहर से भी आते हैं, दिल्ली NCR से भी आते हैं, UP और भी लोग जो जानते हैं यहाँ के बारे में वो यहाँ पर ज़रूर आते हैं। मैं दोस्तों अब तक यहाँ पे 3 बार आ चुका हूँ, लेकिन पहले मैंने ऐसी कोई वीडियो नहीं बनाई यहाँ के बारे में। यहाँ पहली बार मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये देख रहे हैं आप कितनी सारी इसमें बोनसाई यहाँ पे रखी हुई है, लेकिन अंदर यहाँ पे जाना अलाउ नहीं है। ये बनियन ट्री की बोनसाई है दोस्तों। यहाँ पर काफ़ी अच्छी अच्छी अलग अलग प्रजातियों की बोनसाई मिलेंगी आप लोगों को देखने की। यहाँ पर आम की बोनसाई मिल जाएगी आप लोगों को, पिलकन की मिल जाएगी आपको, बनियन ट्री मिल जाएगी यहाँ पे देखने के लिए, और ये आपको यहाँ पे बोगनवेलिया की मिल जाएगी। फाइकस की तो यहाँ पे दोस्तों काफ़ी अच्छी और काफ़ी ज़्यादा ही प्रजातियाँ हैं। दोस्तों, मैं सजेशन दूंगा कि आप भी एक बार यहाँ पे ज़रूर आएँ और देखें यहाँ पे कौन कौन सी वेराइटियाँ हैं, कौन कौन सी बोनसाई हैं और कितनी प्रजातियाँ की एक ही प्लांट की हैं। ये दोस्तों, ये गुड़हल की बोनसाई है, हिबिस्कस की, और ये एरोकेरिया की इनके यहाँ पे, ये यहाँ पे दूसरी बोनसाई है, ये भी काफ़ी अच्छी लगती है देखने में। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी ये वीडियो कैसी लगी है इस पर लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं ऐसे ही कहीं और जाकर आप लोगों के लिए और वीडियो लेकर के आऊँ, वो भी वीडियो बनाऊँ। दोस्तों,
आप भी एक बार जरूर आए इस जगह पे और यहाँ पे आकर के बोनसाई देखें दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आने के बाद में। और यहाँ पे बोनसाई जो देखेंगे आप, बहुत खूबसूरत बोनसाई दोस्तों। फिर मिलता हूँ किसी और जानकारी के साथ, फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना।